Yo, what's happening guys? My name is Loggy और guys आज हम फिर से अपने दुबई वाले वर्ल्ड में और guys मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ कि guys ये हमारी टाइम ट्रैवल वाली सीरीज नहीं है guys आपको तो पता ही हमारी टाइम ट्रैवल वाली सीरीज चल रही है लेकिन guys ये वो वाली सीरीज नहीं है ये एकदम से कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो है और guys आज मैं पास वाले गाँव में इसलिए आया हूँ क्योंकि guys मैंने यहाँ पर सुना है कि यहाँ पर बंदे बहुत ज्यादा ये देख लो भाई इतनी बड़ी बड़ी पार्टी हो रही है लेकिन guys उसी तरफ एकदम से उसी तरफ खुले में एक पिलेजर आउटपोस्ट भी है और ये देख लो guys आपको यहाँ पर एक गोलम भी नहीं दिख रहा होगा भाई साहब यहाँ पर एक गोलम ये रहा ये एक गोलम खड़ा है और गाइस ये यहाँ पर फंस चुका है भाई और गाइस यहाँ के चीफ ने मुझे बोला है कि मुझे यहाँ की सिक्योरिटी अप करनी है तो गाइस मेरा प्लान बहुत ही ज्यादा सिंपल है सबसे पहले मुझे दुबई सिटी में जाकर ढेर सारा आयन ढूंढना है और यहाँ पर गोलम स्पॉन करने हैं तो गाइस अभी मुझे ढूंढना है बहुत सारा आयन और गाइस मुझे पता चपाती भाई के पास तो बहुत ही ज्यादा आयन पड़ा होगा तो कहां पर है भाई साहब और डायमंड तो ये रहा तो अरे क्या बात है भाई यहाँ पर चार ब्लॉक्स और रेडी पड़े और ये सारा आयन इंगट्स भी उठाओ और गाइस अभी मुझे इसके बनाने ढेर सारे ब्लॉक्स क्या बात है भाई मेरे पास एकदम से 9 ब्लॉक्स आ चुके हैं और अभी मुझे यहाँ पर पंपकिन भी ढूंढने हैं ओके गाइस चपाती भाई के गोदाम में तो पंपकिन है ही नहीं तो भाई साहब अभी चपाती भाई है कहाँ पर मुझे लगता है उनकी इन्वेंटरी में पंपकिन पड़े होंगे और वो रहे हेलो क्या कर रहे हो भाई कैसल के ऊपर नीचे आ जाओ भाई चीफ ने बोला कि वहाँ पर नया ग्लास लगाना था नया ग्लास अच्छा सुनो भाई आपके पास पंपकिन है अच्छा पंपकिन है आपके पास भाई मुझे पंपकिन चाहिए हां थैंक यू भाई गाइस हैलोवीन चला गया अभी पंपकिन सब मांग रहा है ये ले काफ्ट वाले है ना काफ्ट वाले वो काफ खुद कर लियो शेयर मार लियो उसके ऊपर खुद खुद कार सर एक ही दिया भाई सिर्फ दो तीन तो दो ना भाई दो तीन मेरे पास और नहीं है अच्छा मेरे पास है एक और भी थैंक यू ये ले कितने चाहिए तेरे को भाई मुझे दो तीन चाहिए भाई दो तीन हां थैंक यू ज्यादा वेस्ट मत करियो मैं बहुत दूर से लेके आया हूं ये पंपकिन कहां गए अच्छा मेरे पास पहले से काफ्ट वाले हैं इसकी कर ले यार तू कर ले ओके गाइस तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास पहले से 3 काफ्ट पंपकिन है तो नाइस और गाइस अभी मुझे एक और भी काफ करना है तो मेरे पास यहां पर 2 आयन इंगट्स है तो मैं यहां पर शेयर बना देता हूं और अभी इसको पट से रखो यहाँ पर इसके ऊपर मारो शीयर और नाइस मेरे पास पंपकिन की सीड भी आ चुकी है और अभी गाइस मुझे जाना है पास वाले गांव में सुनो पास वाले गांव वाले वासियों देखो भाई मैं क्या लेकर आया हूँ पूरे आयन ब्लॉक्स लेकर आया हूँ और साथ में काफ्ट वाले पंपकिन ओके गाइस अभी प्लान बहुत ही ज्यादा सिंपल है मुझे यहाँ पर बनाने आयन गोलम्स तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहला आयन गोलम बनाऊंगा यहाँ पर क्योंकि गाइस यहाँ पर एकदम से पॉपुलर वाली जगह है भाई ये कर रहा है मुझे किसी का वास क्या कर रहा है ये लोग नाइस मेरे पास एकदम से एक गोलम यहाँ पर गोलम क्यों समन कर रहा है हेलो कहाँ पर चपाती भाई मैं पेड़ क्यों बनूं ये रहा क्या कर रहे हो तू क्या कर रहा है पहले ये बता मेरे मुझे, को भाई मुझे इस सिटी के चीफ ने ऑर्डर दिया है कि मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी हाई करनी है अबे इस सिटी का चीफ हमेशा हमें अप्रैल फूल बनाता है वो भी सीजन के बाहर देखो फिर से लगता है उसने अप्रैल फूल बना दिया तू गधा लॉगी इतना सारा आयरन तूने मेरा वेस्ट कर दिया इस बेवकूफ चीफ की वजह से चलो भाई अभी मेरे पास एक और मैं बना सकता हूँ तो मैं यहाँ पर एक और भी बना देता हूँ जस्ट इन केस ये इंसान है मैं उसको बोल रहा हूँ की बेवकूफ बना रहा हूँ उसके बावजूद भी अपना मटेरियल इसने वेस्ट कर दिया यार आखिरी आयन का ब्लॉक ये पिगी को मैं दूंगा ये लो भाई कंप्लेन करूंगा चीफ मैंने अच्छा सॉरी एयरपोर्ट में आ रहा हूँ भाई रुक जाओ मेरा आयरन लेके गया ना मेरे घर के अंदर सॉरी भाई वो सिर्फ कुछ ही आयन पड़ा था मैं आपको बाद में दे दूंगा अभी मेरी बात सुन ले उस तरफ दुबई सिटी है ना और वहाँ पर चीफ जो है घर के अंदर टहल रहा है अभी मैं जाके सबसे पहले उसको बताऊंगा आज वो पहले गुस्से में है तो तेरी सही चटनी बनेगी चीफ को मत बताना भाई प्लीज चीफ को नहीं भाई लॉगी गुट खाएगा चीफ से नहीं, अच्छा सुनो भाई एक काम करते हैं भाई चलो एक कंपटीशन करते हैं एक काम करते हैं बिल चैलेंज करते हैं मारना नहीं है भाई पीछे हो जाओ तूने मेरा आयरन वेस्ट किया भाई हाँ मैं आपको बाद में दे दूंगा आयरन भी और एक काम करते हैं भाई अभी एक बिल चैलेंज करते हैं और अगर मैं जीत गया तो आप चीफ को नहीं बताओगे हाँ झूठ बोल रहा है क्या नहीं हाँ मैं सच ही बोल रहा हूँ भाई हार गया तो अगर मैं हार गया तो आप चीफ को बता देना भाई वो चीफ तो मैं को वैसे ही बताने वाला हूँ नहीं 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 भाई अभी अगर मैं हार गया तो तू मेरे को 15 डायमंड्स देगा ओ मैंने चपाती भाई का तो सही फंसा दिया भाई और ऑब्वियसली गाइस दुबई सिटी का सबसे खतरनाक वाला बिल्डर ऑब्वियसली मैं ही हूँ वो बात अलग है कि ये दुबई सिटी का टावर और ये खतरनाक पहाड़ी वाले घर चपाती भाई ने बनाए हैं लेकिन कोई बात नहीं गाइस मेरे पास 100% कॉन्फिडेंस है और गाइस अगर आप मेरी साइड पे हो तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन भाई कमॉन गाइस मुझे यहाँ पर सपोर्ट चाहिए आप लोगों का और ये क्या बना कर रखा तूने भाई यहाँ पर ये सामने जो घर के बने लेडीज टॉयलेट और जेंट टॉयलेट बना दिए तूने क्या है ये भाई वो टॉयलेट नहीं है भाई ये वो घर है जो हम बिल्ड चैलेंज में यूज करेंगे ठीक है ना राइट उसके मतलब हम क्रिएटिव में भी जा सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बिल्ड चैलेंज है हां क्रिएटिव में जा सकते हैं तो सब पावर है देखो आप तो पहले ही चले गए हो नीचे आ जाओ ये चीटिंग है भाई हमें ये चीटिंग की है भाई आपने चीटिंग की है भाई क्रिएटिव में हमें बिल्ड चैलेंज करना है ना ओके ओके मैं शुरू करता हूं सबसे पहले गाइस मेरे को घर थोड़ा बहुत यहां से रिपेयर करना होगा पहले मैं क्रिएटिव के अंदर चला जाता हूं इसे रिपेयर करो यहां पर लिखो गेम मोड क्रिएटिव और आ जाओ भाई मैं तो रिपेयरिंग कर रहा हूं मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया यहां पर गायब करो और भाई साहब अभी मैं
घर के अंदर जाता हूँ और ओ तेरी भाई यहाँ पर तो पहले से ही ज्यादा टूटा हुआ। तो गाइस और गाइस सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये ग्लास तोड़ना है। और गाइस ये ग्लास तो मैं ऑब्वियसली नहीं लगाऊंगा गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एकदम से ब्लैक वाला ग्लास लगाऊंगा। ओहो क्या बात है भाई, ये ब्लैक वाला ग्लास तो एकदम से खतरनाक लग रहा है। और मस्त है ना भाई आपका घर तो ठीक है ना, घर बना कर रखा तूने तो बेटा, ये तो सारा घर टूटा हुआ है यहाँ पर। गाइस चपाती भाई ने यहाँ पर नॉर्मल ग्लास यूज कर रहे हैं, ओके कोई बात नहीं। और अभी ये मैंने ये वाला क्यों रख दिया। अब ऑब्वियसली गाइस बिल्ड चैलेंज में ऑब्वियसली दिमाग भी एकदम से चिल होना चाहिए और मेरे दिमाग में प्रेशर आ चुका है भाई। और इसको यहाँ पर रखो और आई थिंक गाइस मैं इसको यहाँ पर डबल कर देता हूँ। ये देख लोगे मेरे सारे विंडोज वगैरह रिपेयर हो चुके हैं। अभी घर के ऊपर कौन रिपेयर करेगा भाई, अब ऊपर भी तूने तोड़ कर रखा है क्या है यार ये भाई, मेरा तो बार भी टूटा, मैं तो यहाँ पर भूल ही गया। यहाँ पर एक ब्लॉक लगा दो, यहाँ पर रखो, यहाँ पर लागे ऊपर वाला हिस्सा भी जो है रिपेयर हो चुका है। अभी जाके मैं अंदर जाके डेकोरेशन जो है शुरू करता हूँ। देखिए बेटे करो भाई आज, लेकिन फिर भी मेरे पास सिर्फ 3 मिनट का वक्त है, 3 मिनट का, लेट्स गो। 3 मिनट बस इतना, ओके ओके गाइस ओके। तो गाइस मेरे पास सिर्फ 3 मिनट्स हैं, तो गाइस अभी मुझे थोड़ा सा रश करना पड़ेगा यहाँ पर। और क्या बात है गाइस, मैंने अपना सामान यहाँ पर एकदम से रेडी कर कर रखा है। कोई बात नहीं, मेरा सामान तो मैंने तो ऑलरेडी बिल्डिंग वगैरह शुरू कर दिया है। ओके आपने बिल्डिंग शुरू कर दी, ओके बनाने वाला हूं मैं तो यहाँ पर। और गाइस चपाती भाई को बिल्कुल पता भी नहीं है कि मेरे पास ये कस्टम वाली चीजें हैं भाई, वो तो नॉर्मल माइनक्राफ्ट के ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये रखना है इसके ऊपर, यहाँ पर होगा गाइस मेरा, यहाँ पर होगा एन्चेंटिंग टेबल। एन्चेंटिंग टेबल, ओके आप एन्चेंटिंग टेबल भी रखो भाई। ओके गाइस अभी मुझे यहाँ पर रखना अपना फ्रिज और उसके साथ में, अरे बाप रे यहाँ पर अच्छा ब्लॉक नहीं टूटी है। और फिर मुझे रखना ये किचन काउंटर ऐसे, फिर मुझे रखना ये काम करते हैं गाइस बीच में रखते हैं सिंक, इसके साथ रखते हैं ये ड्रॉज। नाइस घर मेरा छोटा हो गया यार भाई, तूने मेरा छोटे वाला घर देख के रखा है यार। भाई सेम घर है भाई, दोनों सेम घर हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही मेरे को, घर इतना छोटा है। इसको थोड़ा यहाँ पर एक्सटेंड कर देते हैं। और गाइस मैं सोच रहा हूँ फ्रिज को रखते हैं एकदम से यहाँ पर, अब भी मस्त लग रहा है। और गाइस एंट्री के लिए मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं थोड़े से कार्पेट लगाऊंगा व्हाइट वाले, और यहाँ पर बीच में 2 डबल वाला सोफा। नाइस और गाइस ये एकदम से मस्त लग रहा है। और गाइस मेरे पास ये कैबिनेट्स भी हैं, तो गाइस मैं ये कैबिनेट्स जो है यहाँ पर ऊपर लगाऊंगा। फिर मुझे बनाना है गाइस, मैं सोच रहा हूँ सीढ़ियों के नीचे होगा ऐसा छोटा सा टेबल सिर्फ 4 लोगों के लिए। तो नाइस टेबल भी एकदम से बन चुका है। और मुझे यहाँ पर लगाना है खिड़की के पास एक आर्मर स्टैंड। ओ बेटे क्या लग रहा है मेरा घर, तो घर तो गाइस देख रहा हूँ एकदम खतरनाक लग रहा है भाई साहब। आज गाइस मेरे को फ्री के डायमंड्स मिलने वाले हैं। अरे आप चिंता मत करो भाई, आज तो मैंने ही जीतना है ये। अभी ऊपर जाकर थोड़ा बहुत बेडरूम बना लेता हूँ, नीचे वाला हिस्सा मेरा कम्प्लीट। और अभी मैं बनाऊंगा अपने बेड के लिए एक शानदार अलमारी। आप बेडरूम के ऊपर पहुंच भी चुके हो, तो गाइस ये देखो एक छोटा सा अपडेट मेरे घर के ऊपर, तो एकदम खतरनाक लग रहा है। और गाइस अभी मैं ऊपर जाऊंगा और मुझे यहाँ पर गाइस ऊपर का भी हिस्सा यहाँ पर डेकोरेट करना है। क्या बात है, ये ऑरेंज वाला बेड तो एकदम खतरनाक लग रहा है यार। यहाँ पर तो ये रखो, यहाँ पर जैसे छोटे वाले ब्लाइंड रखो। और नाइस और गाइस अभी मुझे थोड़ा और भी सामान निकालना है। मैं जीत रहा हूँ, आप देखेंगे देखेंगे कौन जीतता है भाई, हम देखेंगे भाई देखेंगे। मेरा डिजाइन देख एकदम चौंक जाएगा, वो तो टाइम ही बताएगा कि कौन जीत रहा है, देख लियो। और गाइस फाइनली मुझे यहाँ पर लगाना है थोड़े से लैंटर्न्स रोशनी के लिए। और नाइस गाइस आई थिंक मेरा घर एकदम से कंप्लीट हो चुका है। ब्रो जीतूंगा तो मैं ही देख लिया बार, तो भाई देखते आपने बनाया देख क्या है आखिरकार। पहला घर मेरी एंट्री देख ले पहले, ये देख भाई एकदम से है। बेसिक वाली एंट्री, ओके ओके देखना अंदर जाकर तू हिल जाएगा, देख ले डेकोरेशन देख अंदर कितनी मस्त। लाइब्रेरी बनाई है भाई यहाँ पर, दिमाग मत खराब करिए भाई, यहाँ पर थोड़ी लाइटें भी लगा दो भाई, इतना डार्क है यहाँ पर। ये मेरा एन्चेंटिंग रूम है, ओके एन्चेंटिंग रूम है, नाइस नाइस। मेरी छोटी मोटी रसोई है, साथ में छोटी बहुत स्टोरेज है, ओके मेरा यहाँ पर एन्चेंटिंग रूम है। अभी ऊपर जाएंगे, ऊपर चलते हैं भाई ऊपर। ये रहा मेरा बेडरूम यहाँ पर छोटा सा, क्या बात है भाई, मस्त है मस्त है भाई। बेडरूम तो लीजिए डबल बेडरूम, इतने सारे बेड्स भाई। हाँ तो मेरा होटल है ना भाई, ये होटल है मेरा। क्या बार क्या है बार, कुछ नहीं है की नहीं यार, टाइम खत्म हो गया। ओके चल बे अपना दिखाना मेरे ऊपर, अरे भाई अरे भाई वेलकम वेलकम भाई। अरे भाई पहले आप मेरी एंट्री के पास आओ और देखो आते ही मेरा पोस्ट वाला बॉक्स भी यहाँ पर पड़ा है मेल्स के लिए, समझ गया ना भाई। ये तो खतरनाक तूने बना कर रखा है। अरे भाई अंदर तो आओ अंदर, तूने कस्टम मॉड यूज किए क्या भाई। तो यहाँ पर एकदम से आते ही हमारा व्हाइट वाला सोफा है। हाँ, ये देखो भाई यहाँ पर ब्लाइंड्स भी लगे हैं, हम इसको खोल भी सकते हैं बंद भी कर सकते हैं। सीरियसली लाल इनको खुला रहने दो, ठीक है ना। रेंज में तो हार गया यार। आते ही सीढ़ियों के नीचे यहाँ पर छोटा सा डाइनिंग टेबल भी है 4 लोगों के लिए, और यहाँ पर हमारी किचन भी लग गया, मेरा खतरनाक वाला फ्रिज। और यार लोगे बहुत मस्त बना कर रखा तूने ये देख वाला तो भाई। और मतलब अभी तो ऊपर भी हम नहीं गए हैं मतलब भाई, साथ में किचन साथ में बर्तन धोने की जगह और साथ में खाना पीना, मतलब सही है प्रॉपर घर वाली फीलिंग मेरे को यहाँ पर आ रही है भाई। और नीचे देखो भाई यहाँ पर मैंने लीव्स भी लगाए हैं भाई कारपेट्स के साथ, डिजाइन एकदम सुपर कूल है। अभी ऊपर जाके भाई आ जाओ ऊपर भी आओ भाई ऊपर, देखो भाई
मैंने यहाँ पर खतरनाक वाला चेस्ट रखे, वैसे चेस्ट तो नहीं है, ये कूलर्स हैं। कूलर है मतलब कि ये फ्रिज वगैरह भी हो सकता है ये। हाँ हाँ फ्रिज वगैरह भी हो सकता है। और यहाँ पर मेरा खतरनाक वाला बेड भी लगा है, उसके साथ छोटी सी अलमारियां भी लगी है, स्टोरेज है तेरे पास। ये देखो भाई मेरा खतरनाक डायमंड वाला आर्मर, तेरा टेबल भी लगा हुआ यहाँ पर। ये तो कहाँ पर, ये रहा। हाँ हाँ वो भी मैंने वहाँ पर लगाया भाई। एक सोफा मतलब चिलिंग वाला एरिया, ये दीवारें तोड़ के ना बाहर का व्यू भी फुल ऑन एंजॉय कर सकते हो। बाहर बैठने का भी जगह भाई, बैठने की भी जगह यहाँ पर। अब एक घर तोड़ दिया, यहाँ पर बैठ के हम पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हैं बाहर का। हाँ हाँ ये भी सही है भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। थैंक यू। ओके लॉगी का घर एकदम जबरदस्त है यार, निकालो डायमंड। ए मैं डायमंड, ये डील नहीं थी, डील थी कि अगर तू जीत गया तो मैं चीफ को नहीं बताऊंगा। ओ हाँ ओके ओके यार, ये गलत बात है यार। अभी मेरे को गेम चलो भाई, सर्वाइवल में जाओ और मजे से आयरन ढूंढना, ठीक है? और अगर मिल, अगर डायमंड मिल गया तो मेरे लिए भी लेकर आ जाना यार। तो चलिए गाइस, आई थिंक अभी इस वीडियो में इतना ही काफी। आई होप यू एंजॉयड, मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। नाउ सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।